देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही केवल देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें पोलिंग बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मंत्री का भी दायित्व दे सकती है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा में मुझे मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी दायित्व देने का काम किया था। लंबे समय से आप सब मीडिया मित्रों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो मेरे को दायित्व दिया है, एक साधारण कार्यकर्ता क्या ये सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में ये सम्मान है। मंत्रिमंडल में जो कॉम्बिनेशन रखा है नए और पुराने चेहरों का, उसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज डॉक्टर मनमोहन यादव जी का जो मंत्रिमंडल बना है उसमें बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनको हमने बचपन से काम करते देखा, जो केंद्रीय स्तर पे भी काम कर चुके हैं, तो बहुत अनुभवी नेता है, तो निश्चित रूप से उनका लाभ प्रदेश को मिलेगा। तो दूसरी ओर हमारे जैसे जो नए लोग हैं उन्हें ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल में रखे काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव भी है 4 महीने बाद, पार्टियां क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीतने का काम किया था, जिस तरह से जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 से भी अधिक सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।